हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी उल्लू ऐप में ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप साइनअप करने की कोशिश कर रहे हो तो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ओटीपी नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो गलत बता रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें जाना है कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पे। तो जैसे मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे एक ऑप्शन दिखेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो इस पे क्लिक करना है और इसको रीसेट कर देना है। इसको रीसेट करने के बाद हमें फिर से सेटिंग में वापस आ जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ऐप्स वाले सेक्शन पर जाना है। ऐप वाले सेक्शन पर जाने के बाद हमें जाना है मैनेज ऐप्स में। तो जैसे मैं यहाँ पर मैनेज ऐप्स में आता हूँ तो मैनेज ऐप्स में आपको यहाँ पे राइट साइड टॉप पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, तो इन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट ऐप प्रीफ्रेंसेस का, तो इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इसको इस पे क्लिक करोगे तो इनको रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद हमें क्या करना है, तो एक बार पहले मैं रीसेट कर लूँगा यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ से आपको जो जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही थी उसको ओपन कर लेना है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने अपना बोब ऐप है इसको ओपन कर लिया है। आपको जिस ऐप पे प्रॉब्लम आ रही थी आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसकी स्टोरेज पे जाना है। जैसे स्टोरेज पे आओगे स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है यहाँ से आपको। तो स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद ऐप परमिशन पे आ जाना है और ऐप परमिशन के आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सारी परमिशन वन बाई वन इनेबल कर देनी है। ऐप परमिशन पर ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन यहाँ पे डिनाई नहीं करनी है, तो सारी परमिशन यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद अदर परमिशन पे आना है, तो अदर परमिशन पे आने के बाद सारी परमिशन वन बाय वन फिर से इनेबल कर देनी है। और परमिशन इनेबल करने के बाद हमें रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। ध्यान रखना है इन दोनों को ऑन ही रखिएगा यहाँ पर, मोबाइल डाटा और वाईफाई को इनको टर्न ऑफ मत कीजिएगा। तो ये सब करने के बाद हमें नीचे एक ऑप्शन देखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो उसको भी सॉरी क्लियर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन देखेगा, तो इसको भी इनेबल कर दीजिएगा। इसको इनेबल करने के बाद डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।